हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक पांडा वेब और मैं हूं आपका दोस्त राणा। दोस्तों, अब आपका रेलवे सफ़र होने वाला है महंगा। क्यों महंगा होने वाला है? क्योंकि रेलवे द्वारा अब आपसे एक चार्ज वसूला जाएगा जो कि है यूज़र चार्ज। ये एक तरीके का चार्ज होगा जो हम यात्रियों से वसूला जाएगा। जब हम ट्रैवल करेंगे, किसी स्टेशन से हम ट्रेन लेने के लिए जाएंगे, तो हमें वहाँ पे यूज़र चार्ज देना होगा। दोस्तों, रेलवे के द्वारा जो बताया गया है, ये चार्ज इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि स्टेशनों को और भी बेहतर सुविधा देने के लिए, और भी बेहतर बनाने के लिए रेलवे द्वारा ये यात्रियों से यूज़र चार्ज लिया जाएगा। अब तक ये एयरपोर्ट पे ही यूज़र चार्ज लिया जा रहा था, लेकिन अब रेलवे द्वारा भी इस चार्ज को लिया जाएगा। इससे स्टेशनों को और भी बेहतर बनाया जाएगा, और भी फैसिलिटी यात्रियों के लिए यहाँ पे दी जाएगी। दोस्तों, तो क्या ये सभी स्टेशनों पे लिया जाएगा? तो नहीं दोस्तों, ये अभी कुछ बड़े बड़े जो स्टेशन हैं उन्हीं पे लिया जाएगा। बाकी जो यूज़र चार्ज के लिए बताया गया है, ये काफ़ी कम अमाउंट होगा जो यात्रियों से लिया जाएगा यूज़र चार्ज के तहत, जिससे स्टेशनों को और बेहतरीन बनाया जाएगा, ऐसा रेलवे के द्वारा बताया जा रहा है। अब देखना होगा दोस्तों कि इस चार्ज के बाद रेलवे में आपको किस तरीके की फैसिलिटी मिलती है, स्टेशनों पे आपको साफ सफाई और मिल पाता है या नहीं, और फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है या नहीं। दोस्तों, ये था रेलवे के अपडेट यूज़र चार्ज को लेकर के। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यूज़र चार्ज के बारे में आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।